दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज। आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो है, जैसे कि हम कोई छोटा सा एक सॉफ्टवेयर वगैरह किस तरह से बनाते हैं एक्सेल में। जैसे मान लीजिए, हमने यहाँ पे हमने कुछ दिया गया है, जैसे कि नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस वगैरह। यहाँ पे हम अपनी कंपनी के नाम वगैरह लिख लेंगे। अगली शीट है हमारी, यहाँ पे हमने जैसे जिस जिस व्यक्ति से या जिस जरिए से हमने पैसा रिसीव किया है वो डिटेल दे देनी है। और तीसरे में हम वो पूरी डिटेल देखना चाहते हैं कि जो जो हमने पैसा दिया है उसको हम अलग अलग प्रिंट आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस मैंने यहाँ पे डाल दिया, दाऊद कंप्यूटर सेंटर, एड्रेस B20230231 न्यू कॉलोनी कालागढ़, कॉन्टैक्ट 98 37 28 23 50 50, स्लोगन वी गिव यू आवर 100%। टाइपिंग इसलिए स्लो हो रही है क्योंकि मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ और मेरे पास कोई एक्सटर्नल कीबोर्ड नहीं लगाया मैंने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ दाऊद कंप्यूटर सेंटर ये सब नाम रख लिए हैं इसके, यहाँ पे जैसे हम इस सेल का नाम E5 है, इसका जगह का नाम हम यहाँ से रख देते हैं नेम। इसके नीचे आएंगे, यहाँ का नाम रख लेते हैं एड यानी एड्रेस, यहाँ का नाम रख लेते हैं हम कॉन्टैक्ट, कॉन यानी कॉन्टैक्ट, यहाँ का नाम रख लेते हैं स्लोगन, यहाँ का नाम रख लेते हैं हमने ई मेल, और यहाँ का नाम रख सकते हैं वेबसाइट। अब इससे क्या फायदा है नाम रखने से, यदि हम अगले वाले में यहाँ पे लेना चाहते हैं बराबर नेम तो हमारा नाम लिखा हुआ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया है बराबर एड, एड्रेस जो हमने वहाँ पीछे नाम दिए थे, नीचे लिख देंगे बराबर स्लोगन। अब हम इसकी अपने हिसाब से सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम और शीट इंसर्ट करनी है, इंसर्ट एक और इंसर्ट कर लेते हैं। नीचे आप कहीं पर भी आप दे सकते हो, जैसे कि बराबर ईमेल, या चाहे तो आप इससे पहले यहाँ लिख सकते हैं, जैसे ईमेल है हमारी, इसको बड़ा कर लेते हैं बराबर ईमेल। सेलेक्ट करके यहां से मर्ज क्रॉस कर लेंगे तो ये बीच की लाइनें खत्म हो जाएंगी। सेंटर कर लेंगे इसको, इसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें। अब ये जो हमने यहाँ पे सब किया है इसको ही हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेंगे, अगली शीट में आएंगे। यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा सेटिंग वेटिंग जिस हिसाब से करनी है आपने मर्ज कर लेंगे। इसकी सेटिंग हम बाद में भी कर सकते हैं, बराबर हमने यहाँ पे दिया था